सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत दबड़ी खामा। दोस्तों अज इस वेले जिहड़े खेत दे विच मैं मौजूद हाँ, ये उन्हां कुछ खेतों के एक खेत है जिथे इस वरे इस महीने दौरान असी श्री सुरेश देसाई जी की तकनीक दे नाल गन्ने की बिजाई करते पए हाँ। जिवें तुसीं देख रहे हो इस खेत दे विच गन्ने की बिजाई हुंदी पई है। तो ये पिंड जिथे असी मौजूद हाँ, इस पिंड का नाम हैगा फकर सर। गिद्दड़ बहे तो 8 किलोमीटर मलोट वाली साइड नूं जदों जाने आ ये पिंड आ जांदा। तो इस पिंड दे दो वसनीक दोने आपस दे विच मित्र ने, नंबरदार गुरमीत सिंह ते सरदार रमनदीप सिंह। ये दोने मित्र इन्हां दा मन बनिया कि जिस तरह की खेती अजकल चलती पई आ, ये खेती अज नहीं तां कल सानू सारिआं नूं लै डुब्बेगी, ते क्यों ना हुण तों ही कुछ उपराले करके भविख नूं सोहणा ते सुनहरा बनाउण लई असी यतनशील होईए। ते इस मकसद दे नाल इह अज तों कई महीने पहलां मैनूं मिले सीगे बठिंडे आ के, ते उत्थे जिहड़ी साडी गल्लबात आपस दे विच होई, उस गल्लबात दे नतीजे वजों इस खेत दे विच कुदरती खेती तहत श्री सुरेश देसाई जी दी जिहड़ी विधि हैगी है लाइट एंड सन हारवेस्टिंग वाटर एफिशिएंट शूगर केन, उहदे तहत गन्ने की असी जिहड़ी हैगी है बिजाई इत्थे अज शुरू की है। अज ही मुकम्मल हो जाएगी इस खेत दे विच। ते इन्हां दे खेत जाके देखते हैं भी मीह किन्ना क पिया। इत्थे परमात्मा वल्लों मीह उन्ना की पिया जिन्ने कि बिना सरदा नहीं सी। ते इन्हां दे खेत दे विच प्योर ऑरगैनिक गन्ना इत्थे तैयार होएगा। साडा टीचा हैगा असी 450 क्विंटल गन्ना प्रति एकड़ के हिसाब नाल इत्थों कढ़ना, पर एकड़ दे विच गन्ना जिहड़ा हैगा उहदे थले रकबा 2.25 कनाला ही हुंदा इस तकनीक के तहत। तो विच जिहड़ा हैगा असी सरों की काश्त करनी है, छोलियां की काश्त करनी है, अलसी की काश्त करनी है, नाल ही हरे प्याज की, लसन की, मूलियां, शलगम, चुकंदर वगैरह की काश्त भी असी करनी है। वह किमें करांगे, किमें होगी, वह तुहानू दिखावांगे उदों जदों वह सारा कुछ भी इत्थे होएगा कीता होया परमात्मा की कृपा सदका। तो अज इत्थे गन्ना जिहड़ा साडा उहदी बिजाई शुरू हो चुकी है। तो बिजाई करके इनू खेड़ां दे विच पानी दिता जाऊगा, तो उस तो बाद चल सो चल परमात्मा की कृपा नाल असी तुहानू इसे खेत दे विचों लगातार मिलते रहांगे, गन्ने के दर्शन कराते रहांगे। तो अखीर दे विच झाड़ असी किन्ना कढ़िया ते उहदे तों की वट्टिया खट्टिया वह भी तुहाडे नाल सांझा करांगे। इस खेत दे विचों साडा जिहड़ा टारगेट है, साडा जिहड़ा निशाना है, वो ये है कि प्रति एकड़ 4.5 लाख रुपया क्यों ना कमाया जाए। आम जिमीदार 70-80 हज़ार रुपए तो खेड़ते हैं, पर जदों 4.5 लाख की गल आउंदी है तां फिर सोच भी 4.5 लाख वाली होगी, व्यौंत भी 4.5 लाख वाली होगी, मेहनत भी 4.5 लाख वाली होगी, तो फसल भी फिर 4.5 लाख वाली होगी। ऐ नहीं हैगा भी झोना लगाया हम तो वेले, ये खेत दे विच रहना पऊगा। तो जे खेत दे विच रहोगे तां खेत तुहानू जो चाहोगे वह देवेगा। इहदे विच मैं इन्हां नूं जिन्ना कु मेरी समझ हैगी उस हिसाब नाल गाइड करांगा। मेरे गुरु सुरेश देसाई जी वह भी लगातार साडे नाल संपर्क च रहणगे। तो हुण आपां इन्हां तों जाणदे आं भाजी, अज चंगी शुरुआत होई है, की कहना चाहोगे? बहुत वधिया शुरुआत होई ਮਾਤਮਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੁਬਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ 5-6 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਿਜਾਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ,